हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों आज है संडे, तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर Q&A वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने जो भी यहाँ पर कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी के मैं यहाँ पर जो है जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का Q&A वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला सवाल आता है वो योगेश प्रजापति का आ रहा है, और इनका सवाल है भैया OnePlus 60 बेस्ट है या फिर iPhone 8 Plus। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर OnePlus 60 आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो भोजपुरी दंगल वेब का आ रहा है, और इनका सवाल है JioPhone 3 की लॉन्चिंग को लेकर कि वो कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि JioPhone 3 जो लॉन्च होने वाला है वो फिलहाल उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है फ्लेक्स कंपनी के साथ में, और ये आपका करीबन मार्च या अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। तो अभी के लिए आपको वेट करना होगा JioPhone 3 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल आता है वो आशीष मीना जी का आ रहा है, और दोस्तों इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं भाई ये बता इंडिपेंडेंट TV 1 फरवरी के बाद 1 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो भाई मेरा तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, मेरा तो चल रहा है, शायद चलता रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट TV की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पर जो है प्लान अभी नहीं आए। उनके जो प्लान है वो सभी ईयरली प्लान्स हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है यहाँ पर अजय दास का, और ये पूछ रहे हैं Realme 3 Pro का इंडिया में आएगा क्या, मैं कोलकाता से हूँ, लव यू भाई। तो भाई लव यू टू, और ये Realme 3 के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है Realme 3 के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला कमेंट आ रहा है वो S2R बॉयज का आ रहा है, और इनका कहना है मैं 4G फ़ोन लूँ या 5G फ़ोन का वेट करूँ 15,000 रुपये के आसपास। तो भाई 15,000 रुपये में अभी तो भाई कोई भी 5G फ़ोन नहीं है, और वैसे इंडिया में कोई 5G फ़ोन फिलहाल लॉन्च भी नहीं हुआ है। OnePlus के द्वारा या जो Galaxy S10 आने वाला है वो ही यहाँ पर लॉन्च होगा, और उनके जो प्राइस होंगे दोस्तों वो करीबन 60,000 रुपये के आसपास होंगे, उससे ऊपर ही होंगे। तो 15,000 रुपये में तो भाई आपको अभी तक जो है करीबन जो है 1.5 साल तक तो 5G फ़ोन नहीं मिलने वाला है, और 5G फ़ोन मिल भी जाएगा तो भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई 5G का नेटवर्क तो आपको करीबन 2020 के लास्ट में ही मिलेगा। तो आप आराम से फिलहाल 4G फ़ोन यूज़ कर लीजिए, उसे आप 2 साल तक आराम से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 5G का नेटवर्क फिलहाल नहीं मिलेगा आपको करीबन 2 साल से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल आता है वो यहाँ पर आ रहा है मनीष टैक एंड टिप्स का, और इनका सवाल है पेटीएम सही है या मोबिक्विक एंड अदर फ्री रिचार्ज फोन पे एयरटेल मनी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो जो फोन पे ऐप है और जो पेटीएम ऐप है दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। वैसे आप लोग बताना कि आप यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो राहुल ठाकुर जी का आ रहा है, और इनका कहना है हेलो सर, मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ और आपका हर वीडियो देखता हूँ, 5G फ़ोन कब तक आएगा। तो भाई मैंने बताया कि 5G फ़ोन तो जल्दी ही आ जाएगा, अब 2019 में जो है आपको 2-3 महीने बाद जो है 5G फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएंगे OnePlus की तरफ से और Samsung की तरफ से। तो भाई 5G फ़ोन तो आने ही वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर तौफीक जी का अगला सवाल आता है, और दोस्तों इनका कहना है सर Redmi Note 7 में चार्जर अडैप्टर। तो भाई चार्जिंग जो अडैप्टर आपको मिल रहा है वो 5V 2 Ampere वाला ही मिल रहा है आपको, वहाँ पर क्विक चार्जर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अलग से आपको जो है क्विक चार्जर 4.0 वाला या 3.0 वाला वो आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है यूवी युवराज बना का सवाल आता है Redmi Note 7 इंडिया में कब आएगा। तो भाई अगले मंथ आ सकता है Redmi Note 7 इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर इंडियन फनी कॉमेडी चैनल सनु कुमार का जो है सवाल आता है सर आपके हाथ में जो फ़ोन है वो किस कंपनी का है। तो यही फ़ोन था जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, वहाँ पर भी यही फ़ोन था, और दोस्तों ये जो फ़ोन है वो OnePlus 5T है, और इसे मैं जो है पिछले साल से ही यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा करीबन इसे हो गया है। तो नेक्स्ट मंथ मैं देखता हूँ कि कोई नया स्मार्टफोन सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 आने वाला है वो इंडिया में जब आएगा तो शायद उसे मैं लूँ, उससे पहले तो मैं अभी यहाँ पर जो इसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल आता है वो टेक्निकल बिप लैब का आ रहा है, और इनका कहना है सर मेरे वीडियो में अभी अभी ऐड आता है और कभी कभी नहीं आता है, मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, और प्लीज़ इस बार मेरा क्वेश्चन ले लेना, प्रमोट माय चैनल, मेरा चैनल का नाम बोलो। तो भाई कभी कभी ही ऐड आते हैं, हर वीडियो पर ऐड नहीं आते हैं, चाहे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो तो भी जो है कभी कभी ही ऐड आएगा, अगर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो ऐड आएगा ही नहीं। तो भाई हर वीडियो पर जितनी बार आप प्ले करोगे हर बार ऐड नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर जो है सेवक पटेल का अगला सवाल आता है जॉब पाकर कितना खुश हो। तो भाई काफ़ी खुशी मिलती है जॉब पाकर, और वो जॉब जिसके लिए आपने मेहनत करी हो। दोस्तों अगला सवाल गोविंद भाई का आ रहा है, और ये कह रहे हैं जियो फोन हॉटस्पॉट डेट। तो भाई मेरे को नहीं पता कि फाइनली किस डेट को आएगा, लेकिन लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर शायद जल्दी ही जियो फोन में हॉटस्पॉट वाला फीचर मिलेगा ही मिलेगा आज या कल में। तो दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो कॉमेडी शो का आ रहा है, और इनका कहना है 15,000 में बताओ
कौन सा मोबाइल लूँ और कैमरा अच्छा हो, तो भाई रियलमी 2 प्रो, रियलमी U1, असूस जेनफोन मैक्स प्रो M2, रेडमी नोट 6 प्रो, ये कुछ स्मार्टफोन आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है वो टैक्स तो स्टार का है और इनका सवाल है क्या ओप्पो F9 बेटर फ़ोन है या नहीं। तो भाई ओप्पो F9 प्रो से अच्छा को आप रियलमी 2 प्रो या रियलमी U1 ही ले लीजिए, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों अगला सवाल आता है निखिल फने का और इनका सवाल है जियो मीडिया केबल अवेलेबल डेट। तो यार इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि करीबन जो है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया तब जो है अनबॉक्सिंग हुआ था, उसके बाद में पता नहीं यार कहाँ गया कहाँ नहीं गया जियो मीडिया केबल, कोई इन्फॉर्मेशन जियो के द्वारा इस बारे में आती ही नहीं है। और दोस्तों अगला जो सवाल है वो नमित नैन का है और ये कह रहे हैं क्या हमें 2019 के एंड में 2020 के स्टार्टिंग में स्नैपड्रैगन 845 वाला जो स्मार्टफोन होगा 15,000 से कम में मिल जाएगा। देखिए अभी तो यार 19,000 के आसपास आपको मिल रहा है पोको F1, तो शायद 15,000 के आसपास आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पोको एक ऐसा फ़ोन था जिसमें आपको जो है यहाँ पर 845 प्रोसेसर मिलता है, वो भी इतने कम प्राइस में, इसके अलावा किसी कंपनी ने नहीं दिया था, तो शायद 15,000 में तो भाई ये नहीं आने वाला है, क्योंकि 835 भी भाई अभी तक 15,000 में नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पर विजय वर्मा का अगला सवाल है, सरवन जी क्या जियो फोन 3 में जो है 5G स्मार्टफोन होने वाला है, मैंने कई लोगों से इसके बारे में सुना था। नहीं भाई 5G फ़ोन नहीं आएगा जियो फोन 3, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, जल्दी एक और वीडियो आने वाला है जियो फोन 3 के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 5G का सपोर्ट आपको जियो फोन 3 में नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला जो सवाल आ रहा है वो कृष्णा शर्मा का आ रहा है और ये कह रहे हैं भाई जी हैंडसम लग रहे हो, तो शायद जो कम्युनिटी में फोटो डाला था उसको लेकर ये बोल रहे हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ एक सवाल जो मैंने लिए, काफ़ी ज़्यादा जो सवाल थे वो जियो फोन 3 को लेकर थे, तो जल्दी ही आपको जियो फोन 3 के बारे में कल एक वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।